इसराइल हमास युद्ध के बीच रफा की जंग अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रफा गाजा का इकलौता ऐसा शहर है जो ये तय करेगा कि इस युद्ध का असली बाहुबली कौन है। यहां तक कि रफा के रण में इजरायली फौज की असल ताकत की सबसे बड़ी परीक्षा यही हो रही है, और यही वजह है कि रफा में पल पल पर IDF पर आग के गोले बरस रहे हैं, क्योंकि रफा में गाजा के तमाम प्रतिरोधी संगठन एक साथ मिलकर इजरायली सेना पर हमले कर रहे हैं, और ये हमले IDF पर इतने भारी पड़ रहे हैं जिसका सबूत हमास के ये वीडियो दे रहे हैं। दरअसल अब हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड ने एक बार फिर से IDF पर अल जैतून इलाके में अल यासीन रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड बरसाए हैं। अल शबूरा इलाके में भी अल कासिम ने IDF के 4 मेरकावा टैंकों को निशाना बनाया है। यहां तक कि नेटसरीम एक्सिस में तो इजरायली सैनिकों की चौकियों पर 114 mm रॉकेटों से हमला किया गया है, और इन हमलों के बीच अलक्सा ब्रिगेड भी हमास के साथ आ गई है। अलक्सा ने सूफा मिलिट्री साइट पर 107 mm रॉकेटों का एक पूरा साल्वो दाग दिया है। वहीं फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की सैन्य शाखा अलकुज ब्रिगेड ने भी नाहेलोज मिलिट्री साइट पर मोर्टार गोले दागे हैं। अलकुज का कहना है कि उसने इस इलाके में इजरायली सेना के सैन्य उपकरणों को निशाना बनाया है। लेकिन बड़ी बात है कि राफा के अल सलाम मॉस्क इलाके में इजरायली सैनिकों पर 60 mm के मोर्टार गोले दागे गए हैं, जिनमें IDF को भारी नुकसान की खबर है। और चौतरफा हमलों के बीच इजरायली सेना को तगड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि IDF ने अभी तक इन हमलों में हुए नुकसान की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये जरूर है कि अल जैतून इलाके में हमास के लड़ाकों ने IDF पर एक IED ब्लास्ट से बड़ा हमला किया है। अलकुज ब्रिगेड के लड़ाकों ने इस दौरान नेटजरी मैक्सिस में इजरायली सेना के कमांड और कंट्रोल पोस्ट पर 107 mm के रॉकेट भी दागे हैं। और इन हमलों को देखकर ऐसा लगता है कि हकीकत में इजरायली सेना रफा के जाल में उलझ चुकी है, जो उसके लिए एक मौत का जाल बन गया है। और रफा में अगर इजरायली सेना हमास का सफाया नहीं कर पाती है तो ये उसकी सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि पिछले 7 अक्टूबर 2023 के हमले के तुरंत बाद IDF ने रफा पर जमीनी हमला कर दिया था, और तब से लेकर अब तक इजरायली सैनिक गाजा के अलग अलग इलाकों में डटे हुए हैं, और अब रफा पर हमले के वक्त पासा पलटा हुआ दिख रहा है।